राजा बाबू सिंह एक बड़ा नाम है बांदा के लिए, बांदा के लोग उनको पहचानते हैं। राजा बाबू सिंह आईपीएस हैं, पचने ही गांव के निवासी हैं, लेकिन लोगों ने उनको एक आईपीएस से ज़्यादा एक समाज सेवी की भूमिका में भी देखा है। पिछले 4 बार से वो निःशुल्क चिकित्सा शिविर मेडिकल कैंप आयोजित करा रहे हैं। जगह जगह पर आयोजन कराने के बाद इस बार राजकीय मेडिकल कॉलेज बांदा में इस शिविर का आयोजन होना है 27 और 28 अक्टूबर को। आज उसी संबंध में यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में प्राचार्य डॉक्टर सुनील आर्या के साथ आयोजन समिति की बैठक थी। बहुत सारे निर्णय लिए गए, कैसा तैयारियों के बारे में जायजा लिया गया कि कहाँ पर कैसे डॉक्टर्स बैठेंगे, आएंगे, कहाँ पर रुकेंगे, कहाँ पर मरीजों को देखेंगे। दिल्ली में पत्नी निवासी श्री राजा बाबू सिंह, पुलिस महानिरीक्षक आईटीबीपी, ये कई वर्षों से मेडिकल कैंप बांदा में करा रहे हैं। ये उनका चौथा मेडिकल कैंप है। इसके पहले उनका पहला मेडिकल कैंप कुशेजा धाम में हुआ था, दूसरा राजकीय इंटर कॉलेज पैलानी में हुआ था, तीसरा पुनः कुशेजा धाम टेंदवाई रोड बांदा में हुआ था, और ये चौथा उनका मेडिकल कैंप है। और उन्होंने इस बार ये निर्णय लिया कि इसको राजकीय मेडिकल कॉलेज बांदा में कराया जाए। इस निर्णय के आधार पर, उनके मार्गदर्शन पर, श्री राजा बाबू सिंह आईजी साहब के ये मेडिकल कैंप यहाँ किया जा रहा है। इसके लिए उन्होंने और सभी लोगों से सहयोग मांगा, जिस पर यहाँ के प्राचार्य श्री आर्या जी उन्होंने पूरा भरपूर सहयोग कर रहे हैं, और बुंदेलखंड कनेक्ट के श्री निगम जी, श्री चतुर्वेदी जी, सचिन चतुर्वेदी जी आदि सभी लोग जो है इस पर हमारा भरपूर सहयोग कर रहे हैं। और इस पर जो है प्रचार प्रसार जोरों से चल रहा है, और सभी व्यवस्थाएँ पूरी कर ली गई हैं, और इसमें दिल्ली, लखनऊ और कानपुर आदि बड़े बड़े शहरों से सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर आ रहे हैं, जिससे लोगों को 2 दिन का 27 और 28 अक्टूबर को जो मरीज आएंगे उनको पूरा लाभ मिलेगा। ये मेडिकल कैंप पूरी तरह से निशुल्क है, इसमें किसी को एक पैसा नहीं लगना है, और जो दवाएं मिलेंगी वो फ्री मिलेंगी, और पूर्णतया इस पर जो है जांचें भी होंगी यहाँ, और जांच के साथ साथ यदि किसी का मतलब ऑपरेशन होना है तो वो भी हो सक्ता है। यहाँ पर हर तरह की पूरी सुविधाएं हैं, क्योंकि ये राजकीय मेडिकल कॉलेज में हो रहा है, तो यहाँ की जो सुविधाएं हैं यहाँ के प्राचार्य महोदय भरपूर सब सहयोग देने को तैयार हैं, और सभी व्यवस्थाएं 2 दिन ये यहाँ के जो बुंदेलखंड के लोगों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है कि 2 दिन आकर के और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ प्रदान करें। लेकिन यहाँ पर जो सुना है कि यहाँ पर 1 रुपए का पर्चा कटता है, क्या वो मरीजों को वो भी पैसा देना पड़ेगा? नहीं नहीं, वो 2 दिन के लिए वो 1 रुपए भी नहीं लगेगा, यहाँ कुछ भी नहीं लगेगा, 2 दिन 1 रुपए भी नहीं लगेगा जो लगता है। हर पर्चा भी निशुल्क होगा, हर दवाई निशुल्क होंगी, और उनकी हर सेवाएं निशुल्क होंगी। और किस किस रोगों के स्पेशलिस्ट आ रहे हैं इसमें? डॉक्टर जो है विभिन्न शहरों से सुपर स्पेशल डॉक्टर बुलाए जा रहे हैं, जैसे अस्थमा के हैं, हार्ट डेंटल के हैं, और स्किन के हैं, इस तरह विभिन्न विभिन्न डिसीजेज के डॉक्टर जो है बाहर से सुपर स्पेशल डॉक्टर आ रहे हैं, और इस मेडिकल कॉलेज में उनका निःशुल्क इलाज होगा। इसके साथ साथ अगर और ज़्यादा उनके इलाज की ज़रूरत है तो वो डॉक्टर सुपर बाहर उनको दिल्ली बुलाएंगे, रेफर किया जाएगा, और उनका भी इलाज लगभग निःशुल्क ही होगा वहाँ दिल्ली वगैरह में और अन्य शहरों से जो आ रहे हैं डॉक्टर। जैसा कि अभी हमने बात की, पचनेही के राजा बाबू सिंह जो आईटीबीपी में आईजी हैं, और काफ़ी हद तक उनका लगाव रहता है अपनी मातृभूमि के साथ, बांदा के साथ, तो ये उनका चौथा मेडिकल कैंप है जिसको वो निःशुल्क आयोजित करा रहे हैं। आयोजन समिति में कुरसेजा धाम जन कल्याण समिति है, बुंदेलखंड कनेक्ट इसके विशेष संयोजन कर रहा है, मार्गदर्शन के रूप में राजा बाबू सिंह आईपीएस का सहयोग है इस निःशुल्क मेडिकल कैंप के लिए, और डॉक्टर सुनील आर्या जो कि इस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य हैं उनका विशेष सहयोग है। काफ़ी कुछ सुविधाएं मेडिकल कॉलेज की इस मेडिकल शिविर को उन्हीं के द्वारा प्राप्त हो रही हैं। इसके अलावा देश के विभिन्न अस्पतालों के बड़े बड़े अस्पतालों से अच्छे स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो बांदा के लोगों को निःशुल्क उपलब्ध होंगे, उनकी सलाह, उनकी दवाइयां, ये यहां के बांदा के लोगों के लिए विशेष महत्वपूर्ण होगा।